कुक्षी पुलिस को किराना दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग को पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस ने एक बाल अपराधी सहित तीन आरोपियों को चोरी किए गए माल के साथ गिरफ्तार किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पिछले दिनों कुक्षी थाना अंतर्गत ग्राम आमलाल निवासी किराना व्यापारी ने कुक्षी थाने पहुंचकर चोरी की वारदात की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए एसडीओपी सुनील गुप्ता के मार्गदर्शन में टीआई राजेश यादव ने टीम गठित की। टीम के लगातार प्रयास तथा मुखबिर की सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया। सर, ये चोरी के मामले में आरोपी गण को पकड़ा है, क्या मामला है सर? देखिए, अभी एक दिन पहले अमलाल गांव में 31 जनवरी और 1 फरवरी की मध्य रात्रि में परवूर सिरवी, जो अमलाल के रहने वाले हैं, इनकी किराने की दुकान में चोरी हो गई थी और जिसमें किराने का बहुत सारा सामान चोरी हुआ था। इसमें पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया था। अपराध पंजीबद्ध करने के बाद एक टीम हमने गठित की थी। टीम बहुत बारीकी से जाँच कर रही थी और जब टीम ने वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक रूप से और जो तकनीकी साक्ष्य सब इकट्ठे किए तो ऐसी जानकारी मिली कि इस चोरी में जो है अमलाल के ही जो है पवन अखाड़े और एक साथ में नाबालिग, ये लोग इसमें शामिल हैं। इस मुखबिर सूचना के आधार पर जब पवन और मगन को लाके जब उनसे साइंटिफिक वैज्ञानिक रूप से पूछताछ की तो पहले तो वो चोरी करने से इनकार करते रहे, लेकिन अंततः फिर पुलिस के जो सवालों का जवाब नहीं दे पाए और टूट गए और फिर उन्होंने चोरी करना कबूल किया है। इसमें उनके द्वारा जो भी किराने का सामान पूरा जो चोरी किया गया सामान जब्त तो कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो कुक्षी पुलिस को किराना दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग को पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस ने एक बाल अपराधी सहित तीन आरोपियों को चोरी किए माल के साथ गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, कुक्षी।